सुनो, गांव वालों, हम बहुत मिलनसार डाकू हैं, घर घोती डाकू हैं, हमें संसार चलाना है, अपना कारोबार चलाना है, और इसको मत समझो धमके, जाओ जल्दी से लाओ नमक मिर्ची, हमें देने से मत कतराओ, रीमा चाय पत्ती और शक्कर बाहर लाओ, हमें पड़ती है जरूरत सोने की, एक गोदड़ी लाओ ओढ़ने की, लाओ लकड़ी राकेल तवा और आधा किलो रवा, कपड़े का तेल और बैटरी का तेल, बटर टोस्ट खारी, जिम्मेदारी इसको कहते हैं जिम्मेदारी। सिगरेट बीड़ी काली लाओ, पान कत्ता सुपारी लाओ, कपड़े सूट केस खड़ा, तू यहाँ क्यों खड़ा? मैं तुम्हारे वास्ते ला रहा हूँ। शाबाश, एक प्लास्टिक की बाल्टी लाओ, स्टील का जग, जर्मन की थाली और एक चाय प्याली, अरे कोलगेट दे दो, विक्स दे दो, एक बाटली आयोडेक्स दे दो, बस ये है मांग हमारी, क्योंकि हम है डाकू संसारी। वाह 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 वाह, चुप, मुजाहरा हो रहा है क्या? आप तू अंदर जाएगा और तेरे अब्बा के किसे में से 100 रुपए लाएगा, वो भी कैश। चल जाकर, चल डाकू, वो अंदर नहीं जाएगा, कुछ नहीं लाएगा। वो जाएगा और अब भी जाएगा, 100 की नहीं 200 की लाएगा। वाह क्या बात है, बस तुम्हारा ही साथ है। चले कोई भी आता है हमें डराता है और इस गांव से कुछ ना कुछ ले जाता है। अब हम जाएंगे और सामान खत्म होते ही वापस आएंगे। ठाकुर, इनको क्यों रुकाने तुम? इसमें गहरा राज है, मुझे जय और वीरू का इंतजार है, लेकिन वो दोनों का बुरा हाल है। बुरा हाल क्या हुआ उनको? वो दोनों बेचारे जय और वीरू रामगढ़ की तरफ आ रहे थे, हंसी खुशी गाना गाते हुए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, एक्सीडेंट हो गया। उनकी दोस्ती तो नहीं टूटी, लेकिन उनकी हड्डी टूट गई। फरहान दवाखाने में एडमिट है और डॉक्टर सईद फरहानी साहब उनके ओजड़ी और फेफड़े का ऑपरेशन कर रहे हैं। अनाज का पोता दे ढोलिया। ये क्या दुप्पल है, पूरा संसार तो दे दिया तुम्हारे आदमियों को, खाने से लेकर ओढ़ने तक, गिलास से लेकर बाल्टी तक, अब क्या चाहिए? सब कुछ तो दे दिया है। हमारे आदमी लूटने की सारी जिम्मेदारी तो हमारी है। क्यों ठाकुर साहब, रोका नहीं उन्हें? तुम्हें मालूम है ना, गांव लूटने का डिपार्टमेंट सिर्फ गब्बर को है, तो एक और नया डाकू है और पूरा गांव लूट के ले गए। अबे चमड़े के मुंह के, पहले ये बता कि तू कौन है? अरे पहचाने नहीं मुझे, मैं कालिया, हमेशा आते रहता ना गांव लूट के ले आते रहता। कालिया यानी कि होलसेल व्यापारी? हाँ यार, जरा मेरी नजर कमजोर हो गई ना, इसलिए मैं तुझे पहचान नहीं पाया। ओ कालिया, ओ हो यू कालिया, कि तुम्हारे आने से पहले 3 डाकू आए थे, हमने किराना तमाम गृहस्थी का सामान उनको दे दिया और फिर हमने सोचा कि शायद गब्बर ने नए डाकू की भर्ती की है। ये क्या भांगड़ है, हमारे यहाँ साल भर से डाकू भर्ती बंद है, ये नए कौन हो सकते हैं? अबे कालिया, तू तो पढ़ा लिखा सूझबूझ वाला डाकू है, इसके पहले कभी नाराज किया मैं? गब्बर ने जब भी मांगा, जैसे भी मांगा, हमने गाँव खाली करके दिया उसको, लेकिन ये कौन डाकू है जो डाकू के भेद में धुप्पल चला रहे हैं?
जाके मालूम कर लो। चलो ठाकुर साहब, हम तो समझ लेते हैं, मगर गब्बर, तुमको मालूम है ना गब्बर कितना टेंशनी आदमी है, और गब्बर अगर टेंशन में आया तो याद है ना तुम्हारे हाथ। चिढ़ा मत कालियो, गब्बर हमारे भी हमारे बीच लकड़ी लगाना, लकड़ी लगाओ, जाके गब्बर से कह देना उसका मेरा बचपन का संबंध है, पुरानी मालूमात है, हमने कभी नाराज किया, हमारा सब काम आसानी से हुआ ना, जा चले जा लकड़ी लगाऊ जा। अरे ठाकुर साहब, मैं भी कितने दिन से गांव में आ रहा, मैं भी लोगों का दुख दर्द समझता, और तुम्हारे मिजाज से भी वाकिफ है मैं, तुम क्या मेरे को ऐसी लुक्का समझते क्या ठाकुर साहब? मैं यहाँ के गब्बर को मना लूंगा, माना तो ठीक है लेकिन उसको गुस्सा बहुत है, फिर भी देखते कोशिश कर रहे। कितने आदमी थे? बहुत आदमी थे सरदार, आदमी आदमी थे, पूरा गांव के आदमी थे सरदार। कुत्ते के बच्चों? हाँ कुत्ते के बच्चे भी थे सरदार। यहाँ से 50,000 किलोमीटर दूर मालेगांव में जब बच्चा रात को सोता है, कोई सोता था नहीं सरदार, रात के 3-3 बजे तक का होटल में बैठे रहते, जागते रहते, टीवी देखते रहते सरदार। और तुम तीन हराम जाते, गब्बर सिंह का नाम काय का नाम, इतनी बार तुम्हारा नाम ये किसने कुछ दिया या नहीं सरदार? इसका मतलब गब्बर की सारी वड़क खत्म, इसकी वजह क्या है? अरे सरदार क्या बताना, हमसे पहले नए डाकू आए, पूरा गांव लूट के लेके चले गए, गब्बर के आदमी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, चाइनीज खिलाएगा क्यों? इसकी सजा मिलेगी, 100% मिलेगी। अरे ओ सामा, सरदार किसकी बैठ है रही? सरदार ये सचिन की बैठ है, एक बैट एक बॉल और 3 विकेट, बहुत नाइंसाफी है ये, बहुत नाइंसाफी है। सामा जरा बॉलिंग तो कर रहे। जी सरदार। बच गया साला। ये भी बच गया, तेरा क्या होगा कालिया? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। शेर शायरी होशियारी, सामा बॉलिंग कर। जमाल कमाल हो गए, तीनों हरामजादे बच गए। तीनों को नहीं लगी। तीनों हरामजादों को। तीनों बच गए। गब्बर से पंगा, अब गांव में करना पड़ेगा तंगा, चारों तरफ फैल जाओ,
चप्पा चप्पा छान मारो, हाथ मारो, पाँव मारो, कसर खानकी से फोड़ डालो। कौन है नए डाकू, कौन है नए डाकू? गब्बर के एरिया में जाकू। बात, अरे पगार से ज्यादा काम किया है रे, जिगरा खुश कर दिया, तबीयत हरी भरी हो गई रे। अच्छी सरदार विक्स। अरे कितनी फिकर करे है रे, रामगढ़ लूट के आज हमने फतेह हासिल की है, इसी तरह हमें अपना मिशन जारी रखते हुए अलीगढ़, हसीरगढ़, चित्तौड़गढ़, फतेहगढ़, अरे जितने गढ़ हैं सब पर कब्जा करना है रे। तुम्हारा साथ रहा तो धीरे धीरे इस दुनिया पर कब्जा कर लेंगे रे। क्या बोलो तो रे? अरे तो तुम तीनों ने लूटने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए रे। इस साल का लूटने का बेहतरीन इनाम तुम तीनों को मेरी तरफ से 51,000 रुपया रे। जय बात। इसके बाद जो भी डाकू इन तीनों से ज्यादा लूट कर लाएगा उसको नेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स 2x2 लग्जरी स्लीपिंग कोच में बंबई का एक टूर फ्री। और ये खुशी में आज रात 7:30 बजे मेरी तरफ से सब लोगों को झुमका भाकर की घर भर की दावत। अरे चुप, दावत दिया नहीं तो करने लगे काय काय। मिलेगा तो भी मिलेगा, मगर बचा कुचा मिलेगा रे। किती आनंद, किती आनंदी आनंद झाला, किती आनंदी आनंद झाला, सण होळीचा सण होळीचा आला रे आला, सण होळीचा आला रे आला, सण होळीचा आला रे आला। अबीर उधड़ा गुलाल उधड़ा उड़वा रंग लकेरी, अबीर उधड़ा गुलाल उधड़ा उड़वा रंग लकेरी, नवरंगानी आज रंगवा, नवरंगानी आज रंगवा, वसुंधरा ही सारी, वसुंधरा ही सारी, कैफ अंगात, कैफ अंगात रंगात भरला, कैफ अंगात रंगात भरला, सण होळीचा सण होळीचा आला रे। अरे ठाकर आ रहा रे, आ रहा, आओ ठाकुर आओ। हमारे होते हुए इस गांव को कोई और लूटे हो नहीं सकता। 1975 से पीढ़ी दर पीढ़ी इस गांव को लूटने का हक सिर्फ हमारे खानदान को है। फिर कौन ये नया ठेकेदार मुकट फौजदार पैदा हो गया तो इस गांव को लूट के लेके चला गया। गब्बर के आदमियों को पहचान नहीं पाए
तुम्हारे सीधों में क्या कौन निकल गए थे? सही पहचाना गब्बर, मेरी आंखों में कौन फूट गया है। अगले हफ्ते में मोतिया का ऑपरेशन है मेरा। अच्छा, कौन से डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन करवा रहा है तू? मामलेदार गली में शीतल मेहता है ना। छुट्टे, वो तो हड्डी का डॉक्टर है। अरे उसके आगे एक आंख का डॉक्टर है ना, क्या नाम है उसका? वो बोरी जमात खाने के बाजू में। हाँ। कौन वो, मंगोलकर? हाँ मंगोलकर। अच्छा, अभी वहीं पर ऑपरेशन है। बहुत ऑपरेशन की बात हो रही है, मेरा भी ऑपरेशन करा दे गब्बर बेटा। अगले हफ्ते रमजानपुरे में इमदादी ऑपरेशन कैंप है, वहीं पे सांबा के साथ चले जाना। सांबा के साथ क्यों बेटा? सांबा का भी ऑपरेशन है, मंगाओ कुछ तो लाता कुछ ये सांबा। सांबा जी सरदार। चाचा को भी साथ में ले जाना। अच्छा सरदार। थैंक यू वेरी मच गब्बर बेटा, थैंक यू। अच्छा अच्छा ठीक है, अजान हो रही है, जाओ नमाज पढ़ कर आओ। सरदार मैं भी अजान नमाज पढ़ गई। जा जा जल्दी जा, और अगर देर हो गई तो हमको ढूंढना मत, सीधा अड्डे पे चले आना। आओ गब्बर, बैठ के चैन से बातें करते हैं। लाओ ठंडा ठंडा लाओ, चाय वाय लाओ, पान वान लाओ, चटाई वटाई लाओ, खटिया उटिया बिछाओ। बटो गब्बर, गब्बर अजान हो रही है, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, गलत फहमी में हम लोग लूट गए। अरे तुम तो अनाज मांगते हो, वो लोग तो पूरा घर संसार मांगते हैं। गब्बर इन नए डाकू को कुछ कर रहे यार तुम, क्योंकि तुम पावरफुल डाकू हो, तुम्हारे पास दो आंखें 12 हाथ है और मेरे पास तो हाथ भी नहीं है, और वो भी आंखों में मोतिया हो गया है। देखो गब्बर, तुम्हारे अपने ताल्लुक का अलग है, तुम्हारा और अपना ये गांव का हमेशा से संबंध है। तुम कोई ऐसी निशानी बतला कर जाओ कि तुम्हारे डाकुओं में और वो डाकुओं में फर्क मालूम पड़े। ठीक है, तो फिर मेरे आदमी पीला राशन कार्ड बताएंगे। नहीं, तुम्हारा कोई कोडवर्ड भी होना चाहिए। कोडवर्ड? हाँ। कौन सा कोडवर्ड? गब्बर सिंह, तुम लोगों का कोडवर्ड ये रहेगा, आए हम बाराती बारात लेके जाएंगे, हम साथ में अनाज लेके। ध्यान, अगर ये जो नहीं बोलेगा उसे अनाज नहीं मिलेगा। ठीक, हाँ अब ठीक, तो फिर पक्का? पक्का। मजा ले रहा क्या गब्बर? अरे वगैरह साहब, नहीं गब्बर चालू है गांव में, गब्बर आया था, उन्हें अपने खिलाफ बहुत भड़काया है, अब ठाकुर और गब्बर के बीच कोटवर्ड चलने वाला है। अरे का खबर लाए है रे दीपक चौरसिया, बड़ा तेज चैनल है रे तई। अरे चुप, अरे खबर आई नहीं तो करने लगे गाय गाय। आओ इमाम साहब, मैं तुम्हें गांव के बाहर छोड़ दूं। कौन? बसंती, मजा ले रही है? यूं तो देखने वाली बात ये है। अरे क्या बार बार कहती है, देखने वाली बात है, देखने वाली बात है। तुझे तो मालूम है ना बसंती, मुझे दिखाई नहीं देता। अरे क्यों चिढ़ाने का काम करती है मुझसे, सुनने वाली बात कहा कर, सुनने वाली। यूं तो सुनने वाली बात ये है। तू चुप रहे, मेरी बात सुन बेटी। अहमद के दाऊद मामू दुबई में रहते हैं, और अहमद को घोड़ा चलाने के वास्ते बुला रहे हैं।
यूं के दुबई में घोड़े का कैसा काम? अरे बेटी, अहमद घोड़े से वसूली करेगा, घोड़े पर खोका लाएगा और इतनी तरक्की हो जाएगी कि आखिरी में इनकाउंटर पर पगार मिलेगी। कैसे नहीं जाता, मैं देखती हूँ, वो नहीं जाएगा तो मैं चले जाऊंगी। हाँ तू चले जाना, तुझे भी इनकाउंटर पर पगार मिलेगी। यू के इमाम साहब, तुम्हारा घर आ गया है, सीधे कान की तरफ तुम्हारा दरवाजा है और सीधे घर जाना, मैं चलूं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहेब। वालेकुम अस्सलाम, कौन है भाई? मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ सूरमा भोपाली। अरे सूरमा भोपाली, बहुत दिनों बाद भाई, सब खैरियत तो है ना? बहुत मजे में हूँ जी। ओ क्या है इमाम साहेब, मैं जरा जंगल में लकड़ियाँ देखने निकला था, सोचा आपसे मिलता चलूं। मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार चल रहा है। अच्छा, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। अमरीका आना जाना लगा रहता है। वो अमरीका में दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। कौन सा शॉपिंग सेंटर? शॉपिंग सेंटर नहीं मिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो हवाई जहाज से टूटी थी। वो पहले कांच की थी, अब वो लकड़ी की बन रही है। अमेरिका के बुश ने मुझे ठेका दिया है, बखार की सारी लकड़ियां वही सप्लाई कर रहा हूँ। बुश ने वो ठेका मुझे दिया। अच्छा, तो तू मुझे बुछ लगा रहा है भोपाली? अरे तेरी लंबी लंबी छोड़ने की आदत गई नहीं बचपने की? अरे वो छोड़ो मिया, बात करते करते गला सूख गया है, कुछ पानी वानी मंगा दो। अरे मैं बेटा, देख ये झूठा अमेरिका से आया है, बहुत थक गया है, ला इसे एक गिलास पानी लाके पिला दे बेटा। तबियत वगैरह तो ठीक है ना इमाम साहब? अरे ठीक है सूरमा, बस घुटनों में दर्द रहती है। मैं तो पिछले पिसाई। ठीक है बेटा। क्या कर रहा है अहमद बेटा आजकल? अरे सूरमा, उसका पासपोर्ट तैयार हो गया है, दुबई जा रहा है घोड़ा चलाने, घोड़ा उसके दाऊद मामू के पास। कब जा रहा है? अगले हफ्ते जा रहा है। अगले हफ्ते तो मैं भी अमेरिका जा रहा हूँ, तुम बोलो तो साथ में लेकर जाऊँ, रास्ते में छोड़ दूंगा। तू चुप बैठ भोपाली, अपनी अपनी बात कर। अरे भैया ये बताओ गांव का क्या हाल है? अरे डाकुओं का बहुत टेंशन है सूरमा, एक जाता नहीं कि दूसरा चला आता है, और मैंने सुना है कि नया डाकू वो तो बहुत ही खतरनाक आया हुआ है। डाकू भी कोई डरने की चीज है मिया, और गब्बर सिंह मेरी बकार पे एक दिन आया ऐसा, और मुझसे बोलने लगा मुझे संदल की लकड़ी चाहिए जलाने के लिए। मैं बोला तेरे बाबा का माल है, तो कहने लगा यही लकड़ी दे दो मुझे। मैंने उसको ऐसा पकड़ा और इतना से पाला कि अब तक मुझे सलाम करता फिरता है ऐसा। और उस दिन से तो मैं डाकुओं से डरना ही छोड़ दिया, मैं नहीं डरता डाकू वाकू से। भागा रे। अरे इमाम साहब,
तुम भी आ जाओ जल्दी से, ना किसी में हाँ आ जाओ। बोले डाकुओं से डर नहीं लगता, हाँ फिर इतनी तेज क्यों भागा? डाकू से डरू, ये डाकू से डरू। अरे मियाँ, मैं कहाँ डाकुओं से डरता हूँ, मैं तो पानी पीने आया था। अरे अभी पानी पिया ना झूठे। अरे मियाँ, मुझे बार बार प्यास लगती है। तो फिर सुरमा चलो बाहर जरा घूम कर आते हैं। अरे इमाम साहब, तुम्हें तो पता है मेरे बचपन की मजाक की आदत, मैं इधर हूँ सामने ना किसी में हाथ तो जल्दी हाथ तो लेके जाएंगे हम साथ में अनाज लेके। ठीक है, आगे गब्बर के लोग जाओ अनाज दे दो। अरे कैसा चकमा दिया रे, अरे मेरे मन को भाया, मैंने शादी में घुस के पुलाव खाया। अरे कैसा तिकड़म चलात है और कोड वर्ड में गाना गवात है। अरे ठाकुर, ई उम्र में तो लोग जतरा जतरा भिड़त है और तू जगीरा से भिड़त है। अरे मोरे आदमी इतनी दूर से आवत है, थोड़ा सामान मांगत है तो का गुना करत है रे? अरे का थोड़ा मांगते, पूरा संसार मांगते। जे बोला रे करम का जला मिलेगी, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी रे। अरे अर्जुन, अरे बिन्ना फुटी नहीं तो करने लगे काय काय। अरे देखा ठाकुर, जगीरा से मुंह चलाने का अंजाम। बंद कर तेरी उल्ट पाट की दुकान, नए मॉडल के डाकू। एक आदमी की बिन्नाद फोड़ने तो तू समझता है, पूरे गांव की बिन्नाद फूट गई। हम उसका इलाज करा लेंगे। इस गांव को लूटने का ठेका सिखो गया है। एक मरतबा आंधी चल गई, अब दुप्पल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे बहुत जवाब चला था रे तोरी। अरे अक्कल खड़ा खाते करे जो जगीरा से मुंह जला है। अक्कल खड़ा खाऊ, टेढ़ा वगड़ा खाऊ, मैं मेरा खाता हूँ तेरे बाप का नहीं खाता। और सुन ले, तेरे जैसा हराम का नहीं खाता। अरे बाप रे बाप, अरे ठाकुर, अरे बहुत खुद के पड़ा था रे, जगीरा का दिल दुखा था रे। अरे गब्बर से तू इसलिए डरे है ना कि उसने दोनों हाथ काटे है तेरे, अब देख जगीरा का करे है। अरे पानी के आंसू रोएगा, पानी के आंसू, देख आसमान रो रहा है। अरे ठाकुर, ये टांग मुझे दे दे रे। जगीरा, टांग के लफड़े में मत पड़। अरे ठाकुर, ये टांग हमें दे दे रे। टांग के लफड़े में मत पड़। अरे ये टांग मुझे दे दे ठाकुर। टांग के लफड़े में मत पड़। अरे ये टांग मुझे दे दे ठाकुर। टांग के लफड़े में मत पड़। ठाकुर ये टांग हमें दे दे रे। अरे चुप रे, अरे टांग कड़ी नहीं तो करने लगे काय काय। अरे मिलेगा, अरे आज तुझको भी मिलेगा और लेग पीस मिलेगा रे। सरदार, सरदार क्या है? तुमने तो सिर्फ ठाकुर के हाथ काटे थे, जगीरा ने तो ठाकुर के पांव ही काट डाले। उसने ठाकुर की टांग नहीं काटी, हमारी नाक काटी है। तुम्हारी नाक तो है सरदार? मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल।
तुम लोगों को कुछ समझाना बताना बहुत भारी पड़ जाता है यार। रे पाप खैर, एक हफ्ते के अंदर जगीरा को ढूंढो। एक हफ्ते में नहीं मिले दूसरे हफ्ते में ढूंढो, दूसरे में नहीं मिले तीसरे हफ्ते में ढूंढो, और अगर तीसरे हफ्ते में भी नहीं मिले ना तो चौथे हफ्ते में हमको ढूंढने लगना। आप कहाँ जा रहे हैं सरदार? बे, मिसाल दे रहा हूँ मिसाल। खैर, जगीरा को ढूंढो, और जिसने भी जगीरा को ढूंढा उसको दिवाली बोनस डबल मिलेगा, डबल। हमारे ही इलाके में हमारे होते हुए पहले ठाकुर के हाथ कटे, हाहा, फिर पैर कटे, हाहा। ये कौन है जो हाफ मर्डर कर लिया है? तुम शायद जानते नहीं, हम तारा सिंह के अखाड़े के पहलवान हैं। किसने ठाकुर की टांग काटी मुझे उसका नाम बताओ, हाहा, पता बताओ, आइडिया बताओ। ये फाइट मारूंगा, ये इनकुलाटी खा के जाएगा, हाहा। अबे मेंढक, गब्बर ने हाथ काटा उसको तो नहीं पकड़ पाए। अरे किरकोल बात है, हाहा, किरकोल बात है, ये कौन सी बात है? गब्बर ने पहले जेल के सलाख तोड़ी, फिर तुम्हारे हाथ तोड़े। अरे उसका तो तोड़ने तारने का ही काम है, मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हारी टांग तोड़ी, हाहा। नया काम पुराना काम मुझे मत समझा, मैं भी पुलिस वाला था, अपनी ड्यूटी बजाते बजाते मैंने मेरे हाथ कटवा दिए। तुम्हारे हाथ घरेलू झगड़े की वजह से टूटे, गब्बर ने तुम्हारी फैमिली को टपकाया, तुमने बदला लेने की कोशिश की मगर तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हाहा। मगर उसने तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए, ये तुम दोनों का प्राइवेट मामला है। तेरा इस गांव में नाटक बहुत हो गया, अब तू अटास की गोली ले ले और सुम में वट ले। अरे किसने तुम्हारी टांग काटी पहले मुझे उसका नाम बताओ। ऐसा तुझे उसका नाम सुनने का बहुत शौक है? उसका नाम सुनेगा ना तो तेरे कान में से खून बहने लगेगा। मुझे उसका नाम बताओ। अबे जा, दिमाग मत खा यार, जा यार। अरे किसने तुम्हारी टांग काटी मुझे उसका नाम बताओ। जगीरा। मेरा पंचनामा हो गया, मैं चलता हूँ। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, और बाकी मेरे पीछे आओ। अरे ज्यादा मुंह मत चला ठाकुर, ज्यादा मुंह मत चला। पहले मुंह चलाया था तो हाथ चला गया, फिर मुंह चलाया तो टांग चली गई। अबे अब मुंह चलाएगा ना तो तेरा मुंह चला जाएगा। हाँ ना, इनकी वजह से छा हुआ बेइज्जती हो रही। दूसरे गांव के ठाकुर लोग को देखो, ये अच्छे अच्छे ठाकुर, ये बड़े बड़े मुच्छे, एकदम हैंडसम ठाकुर। और ये बैंडसम ठाकुर, सुधर जाओ तुम, कब सुधरेंगे तुम? अबे फटे दूध वाले के लड़के, तुझे हरी हरी सूझ रही है? तू जानता है इस गांव के लिए मैं किस तवारी कुर्बान हो रहा हूँ? अपने जिस्म के पुर्जे पुर्जे हफ्तेवारी शहीद कर रहा हूँ, और इस गांव के लिए थोड़ा थोड़ा मर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा मत मरो, पूरा मरो। तुम जैसे निकट्ठुओं से ये गांव की इज्जत नहीं बचने वाली, और इस गांव की इज्जत मेरे जय और वीरू बचाएंगे, सिर्फ उनको आने दो। कब आएंगे वो? बोला ना एक हफ्ते के बाद आएंगे। 10 हफ्ते से तो यही बोल रहे तुम, उनके आने तक तो तुम चले जाएंगे। गांव वालों, उनके आने तक सब्र करना पड़ेगा,
रोज जीना होगा, रोज मरना होगा। जय हिंद, जय मालेगांव, जय महाराष्ट्र। अहमद बेटा, दुबई पहुंचते ही खत मत लिखना, मोबाइल भेज देना। खत लिखेगा ना तो पढ़ने में बहुत टेंशन हो जाएगी, और मोबाइल रहेगा ना तो बातचीत करने में आसानी रहेगी। और सुन, हाँ, तुम्हारे दाऊद मामू जो बोले वो सुनना, और घोड़ा भी लाइन से चलाना, वसूली भी बराबर करना बेटा। और जब तुम्हारे मामू खोका लाने के लिए कहेंगे ना तो खोका गिन के लाना, और हो सके तो एक आध खोका इधर भी लेकर आना। अरे खोके क्या करेंगे तुम? अरे मुर्गी के बच्चे रखना है बेटा अहमद। ठीक है, भेज दूंगा। और हाँ, कैडबरी भी भेजना नरम नरम, जैकेट और साल भेजना गरम गरम। और यहाँ पर बेटा पावर बहुत जाती है तो एक बैटरी भी भेज देना ध्यान से, और अगर बैटरी नहीं मिली अहमद तो एक इमरजेंसी ही भेज देना। अरे जो जो सामान उसकी लिस्ट बना के दे दो, मेरा वो छूट जाएगा। अरे बेटा अहमद, वो लोग तुम्हारा हवाई जहाज पकड़ कर बैठे होंगे। ये बेटा मैं तुम्हें सामान की लिस्ट देता हूँ। हाँ, और ये सब लाना बेटा अहमद। अरे तुम मत काट, तू बेटा इधर आ, मैं तेरा बाप। हाँ मैं तेरा बाप हूँ बेटा। देखा ना चिट्ठी, लिस्ट देखा, सब सामान आने देना बेटा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, टाटा टाटा बेटा टाटा, बाय 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 बाय। ए मावा, नहीं आवा। अरे मावा, नहीं आवा। अरे मावा, नहीं आवा। अरे मावा, सरदार वो आवा। ए बाय, अरे आवा रे आवा। अरे कहाँ रे बचुआ, दुबई जा रहे हो अपने दाऊद मामू के पास? हम पहुंचा देते हैं तुझे तेरे दाऊद मामू के पास। मेरा बेटा गया नहीं कि आ गया। अब कौन खिलाएगा कैडबरी नरम नरम, कौन उड़ाएगा मुझे शाल गरम गरम? कहता था मेरा बेटा के डबल पगार भेजूंगा, डबल टिबल तो दूर की बात, निकल भी गया आपसे। जाओ भाई, पानी गरम करो और पुकारे का इंतजाम करो। इमाम साहब, ये देखो चिट्ठी इसके जेब से निकली। अरे बेटा वो सामान की चिट्ठी होगी। ये जगीरा की चिट्ठी लिखता है कि जगीरा की तरफ से गांव वालों को नए साल का तोहफा। मिला, अब कोई मिला गब्बर की जात का। पूछे मुकाम पर पहुंचो तो ऐसा ही होता है। दिलीप को अमिताभ का टेंशन, अमिताभ को शाहरुख का टेंशन, और गब्बर को जगीरा का टेंशन। अच्छा, बहुत अच्छा है, मगर जगीरा मेरे सामने बच्चा अगर मिला तो उसकी जात याद दिला दूंगा, उसके माँ बाप याद दिला दूंगा, उसका खानदान याद दिला दूंगा। अरे कोई कॉन्टेक्ट नंबर है उसका? चिट्ठी के पीछे है गब्बर साहब। अच्छा तो मोबाइल है ससुर के पास, और वो भी रिलायंस का। अरे हमारे पास भी रिलायंस है, और रिलायंस टू रिलायंस फ्री है। हे
अरे कौन है रे जो बार बार मिस कॉल कर रहा है रे? तेरा बाप। ए, बाप की मजाक मत कर रे, मेरे बाप को मरे 8.5 साल हो गए रे। अरे हमार बाप को भी मरे 8.5 साल हो गए हैं। मिली कुंडली तेरी मेरी, और तेरी कुंडली में तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। गलत फहमी है रे तेरी, सख्त गलत फहमी है। अरे कौन है रे तू? गब्बर, वही गब्बर जिसके एरिया में आजकल तो सुम में हिट होना चाहता है। अच्छा तो तू गब्बर है? अरे अच्छा हुआ रे तू फोन कर दिया, ऐसे भी मैं तुझसे मिलने वाला था। अरे रिटायर हो जा रे, रिटायर समझा? अरे रिटायरमेंट का टाइम अभी नहीं हुआ रे, पूरे 5 साल बाकी है रामगढ़ के टेंडर को लूटने खत्म होने। हाँ, और जब तक ये पूरा टाइम नहीं होता, किसी ने अगर इधर कुछ लूटने की कोशिश की तो उसके इतने टुकड़े करूंगा कि गिनते गिनते गिनती भूल जाएगा। अरे गिनती के तो 13 दिन बचे है रे गब्बर, इतना कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या रे? अरे सोनगढ़ से रिश्वत दे के ट्रांसफर हुआ है रे मेरा, इतनी जल्दी तो हार नहीं मानने वाला रे। अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है, रामगढ़ से तेरा नाम मिटा दूंगा। तेरे खून में बहुत उबाल है, अब यहाँ से तेरा सवाल है। मेरे दिल में एक सवाल है, तुझसे मिलने का ख्याल है। अरे फोन में से लिख लू क्या रे? तीन बोल वक्त बोल, जगीरा एनी टाइम उठा पटक के लिए तैयार है। कल फजर बाद दरे गांव की पहाड़ी पे, अरे तेरे जितने भी एंटर पंटर है सबको लेकर चले आना, गब्बर वहीं पे तेरा इंतजार करेगा। मिलेंगे ब्रेक के बाद। तो तू है वो चिंदी चोर चिल्लर लूटो डाकू, बड़ा ही मैला कुचैला मलिच्छा डाकू है रे। जा जा लाए बॉय से नहा करा। अरे का खिदे खिदे हंसे रे, अरे तेरा दांत देख, मैल का रद्दा जमा है रद्दा। अरे हमको नहाने भेजत है तेरे मुंह से बात आवत है, आप क्लोज अप क्यों नहीं करते हैं? अरे बात करे तो बात चले। अबे चुप। अरे तुझे बहुत आराम से समझा रहा हूँ रे गब्बर, अरे चला जा यहाँ से, ये तो जगीरा तेरा बहुत बुरा हाल कर देगा रे। अबे क्या चुल्लू लारा एड़ा बावला समझा मुझे, गांव में गब्बर का नाम चलता है, नाम गब्बर का नाम सुनकर लोग थर थर कांपते हैं और बच्चे कुदड़ी में दुबक कर सो जाते हैं, और तू हरामजादा गब्बर के नाम के साथ खिलवाड़ करता है। अरे डरने वाले डरे, कांपे वाले कांपे, अरे जगीरा मगर ना डरे। अरे थैली का दूध पी के पला है रे जगीरा, अब गब्बर तुझको बनाएगा फकीरा फकीरा, समझे?
गब्बर की बेइज्जती पे बेइज्जती किया जा रहा है। चार लोगों में गब्बर की इज्जत ले रहा है और अपनी इज्जत बढ़ा रहा है। अरे कुछ बड़े लोगों का अदब लिहाज है कि नहीं? बेइज्जती तो उनकी होती है रे जिनकी कोई इज्जत होती है। अरे बहुत इज्जत इज्जत की बात कर रहा है। अरे का इलेक्शन में खड़ा होने वाला है? करे अरे तुझको कैसे पता कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ? बहुत अंदर की बात है ये तो। अरे जगीरा को सब मालूम है समझे? अरे मैंने भी डाकू की हिस्ट्री पढ़ी है रे। डाकू की आखिरी स्टेप राजनीति है राजनीति समझे? अरे तू इलेक्शन में खड़ा तो हो, तेरी जमानत भी जब्त करवा तो मेरा नाम बदल देना। राजनीति राजनीति तो ऐसे कर रहा है जैसे राजनीति खीसे में लेके घूम रहा हो। अबे तुझे तो आजाद से भी टिकट नहीं मिलेगा। टिकट? हाँ टिकट मिलेगा, जरूर मिलेगा टिकट तुझे। और ये टिकट दूंगा मैं, कहाँ का मालूम है? ऊपर का टिकट। अरे टिकट देने का ये कौन सा तरीका है रे? अरे जगीरा हमेशा ब्लैक से टिकट लेता है, ब्लैक से समझे? संडे की शाम जब तुम और मैं और मम्मी पापा एसएलवर्ड घूमने गए थे, हम झूला झूल रहे थे, तभी एक ऐसा तूफान आया कि तुम झूले में रह गए और हम पानी में बह गए। याद है
अच्छी तरह याद। फैसलवर की वो भयानक शाम मैं भला कैसे भूलूंगा भाई। मम्मी तेरे साथ थी, उनका क्या हुआ? अरे उनका तो उसी वक्त तो पानी में दम निकल गया था रे, लेकिन पापा तो तेरे साथ थे ना। अरे उनका क्या हुआ रे? वो भी उस वक्त निकल लिए। और उसके बाद मैंने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी, और मुझसे किसी ने कहा कि तुम किसी गढ़ पे हो, तो मैं गढ़ घूमता रहा, और गढ़ घूमते घूमते आज रामगढ़ आ गया, और रामगढ़ में मेरा भाई मिल गया रे। भैया छोटे, अरे भैया, अरे हम के छोड़ के मत जाना रे, हमरा साथ देना, अरे दोस्ती मत छोड़ना रे। छोटे मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगा। अरे छोटे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती।